Dear students, since it is not possible to solve all the MCQs for you guys, so मैं आज आप लोगों के लिए कुछ important MCQs लेके आया हूँ जो आप लोगों को समझना है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करेगा डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए. तो अंडर वॉट कंडीशन विल ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट तो नहीं करवाया, बट एक क्लास में बार बार समझाया है. तो कौन सा कंडीशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है? मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मेशन दिखाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था सर? स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे कहा था मैंने कि ए का वैल्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होता है. यानी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनेगा जब ये जो a का वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, दैट इज d के, दैट इज a नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? d बन जाएगा. यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ. तो आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो, बट एग्जाम के कॉपी में मत लिखना, जस्ट समझने के लिए, ठीक है, लिखो. देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा डायरेक्ट जीरो, दैट इज इसका आंसर डी होगा. क्यों डी होगा पता है? बिकॉज मैंने आप लोगों को सिखाया था ना सेकंड नंबर चैप्टर में, दैट इज 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन, 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है. तो आप लोगों को अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है? जीरो आता है. इसलिए मैंने आप लोगों को क्लास में कहा था कि आप लोगों को जो जीरोस होता है ऑफ द पॉलीनोमियल देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको याद रख लेना है. अगर याद रख लोगे तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, नहीं तो आपको सम करके देखना पड़ेगा. और वन मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप इतना बड़ा सम करने जाओगे तो लॉस आपका होगा. फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ जैसे कैसे करना है. डायरेक्ट फोर यू स्क्वायर था प्लस एट यू था इक्वल टू जीरो, कॉमन लेना था आपको, दैट इज फोर यू का कॉमन ले लेना. कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा सर? u प्लस टू आ जाएगा, इधर में ज़ीरो आ जाएगा, देन यहाँ पे रह जाएगा u प्लस टू, और ये वाला जो फोर यू है इसके नीचे आएगा, ज़ीरो के नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा सर? जीरो बन जाएगा. देन आइदर और करना था आप लोगों को, आइदर और करने से क्या आता था सर? u का वैल्यू क्या आता था सर? u का वैल्यू आ जाता था माइनस टू, राइट? u का वैल्यू आता था माइनस टू, और क्या आएगा सर? u का वैल्यू आएगा एक जीरो, राइट? ये u प्लस टू था, साइड चेंज करने से माइनस टू आएगा. तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे क्या? पहला वाला हो जाएगा हम लोगों के लिए अल्फा, और सेकेंड वाला हो जाएगा हम लोगों का बीटा. तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू इंटू जीरो करते हैं, तो क्या आता है सर? माइनस टू इंटू जीरो करने से रिजल्ट तो जीरो ही आता है. इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? डी बन जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर शॉर्टकट तरीका ना पता हो तो बेटर आप लोग पीछे से जो मैंने समझाया है वो करो, तो एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसका आंसर क्या बनेगा सर? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,0 एंड 0,1 इज, किसका इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? तो सर इसका आंसर क्या बनेगा? मैं तो बता सकता हूँ, मुझे पता है डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, रूट टू बन जाएगा. कैसे बन जाएगा सर? इसके लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला बैठा के सम को सॉल्व करना है. तो अगर आप लोगों को शॉर्टकट में करना है तो आप कैसे करोगे? हाँ, शॉर्टकट तो पता नहीं, चलो फॉर्मूला ही लिख लो, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट, होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर रूट था, यही तो फॉर्मूला था. तो देखो एक्स टू का वैल्यू कितना होगा सर? एक्स टू कहाँ से आएगा? पहला वाला होता है आपका एक्स वन और वाई वन, पहला जो पॉइंट में होता है, ठीक है. सेकेंड वाला होता है आपका एक्स टू और वाई टू. तो एक्स टू का वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे एक्स टू का वैल्यू है ज़ीरो, बैठा हो ज़ीरो माइनस, देन एक्स वन का वैल्यू कितना है सर? वन है, ठीक है. इसको स्क्वायर करना है, करो
देन प्लस है सर वाई टू का वैल्यू कितना है, सर वाई टू का वैल्यू यहाँ पे है आपका कितना वन है, बैठा हुआ वन। देन वाई वन का वैल्यू कितना है सर, माइनस दो, वाई वन का वैल्यू सर है ज़ीरो, होल स्क्वायर करो। अभी देखो कुछ देखने का ज़रूरत भी नहीं है, जीरो से माइनस वन चला जाएगा, माइनस वन चला जाएगा तो माइनस वन रहेगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे प्लस था प्लस दो, वन से अगर जीरो जाएगा तो वन ही रहेगा, वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा सर, वन आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, रूट टू। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। देन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, आप लोगों को सर ने प्रोबेबिलिटी कराया है राइट। तो प्रोबेबिलिटी मीनिंग बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, ठीक है, कोई एक घटना होने का चांस या फिर ना होने का चांस। से एग्जांपल मैं अभी कह रहा हूँ कि कल बारिश होगा, इज इट श्योर कि बारिश कल होगा, नहीं भी तो हो सकता है राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो बारिश होने का संभावता और बारिश ना होने का संभावता, इन दोनों को मिला के रिजल्ट क्या होता है, हमेशा वन होता है। याद रखना प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा वन आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, प्लस वन आएगा, वन से बड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है, टू तो कभी नहीं होगा, क्लियर। देन वन से छोटा भी नहीं हो सकता है, वन से छोटा मतलब माइनस वन से छोटा नहीं हो सकता है, इट शुड लाइज बिटवीन जीरो टू वन, जीरो टू वन के बीच में क्या होगा, आपका आंसर लाई करेगा, ठीक है, समझ में आया। नेगेटिव नहीं होगा एंड वन से ऊपर नहीं जाएगा, माइनस में आंसर नहीं आएगा, दैट इज माइनस वन पॉइंट, सपोज माइनस जीरो पॉइंट फाइव आ गया, जीरो पॉइंट फाइव, तो नेगेटिव में नहीं होगा, प्लस और प्लस में आपका क्या आएगा, वन का ऊपर, से एग्जांपल वन पॉइंट फाइव, ये नहीं होगा, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, वन के ऊपर नहीं जाएगा, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो टू वन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, नॉट को हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा सर वन होता है, कितना होता है, वन होता है। इज दैट क्लियर। इन ए बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग है जिसमें 24 बॉल्स है, फोर बॉल्स आर ब्लू, जिनमें से चार बॉल क्या है आपका ब्लू है, फोर बॉल क्या है ब्लू है, ग्यारह बॉल क्या है आपका ग्रीन, ग्रीन बॉल कितना है 11, एंड द रेस्ट आर वाइट, तो टोटल 24 बॉल था राइट, 24 बॉल से चार बॉल आपका हो गया ब्लू बॉल एंड ग्रीन बॉल हो गया कितना 11, तो व्हाइट बॉल कितना होगा सर, 4 प्लस 9, 4 प्लस 11 करने से कितना आएगा 15, 15 प्लस 9 करने से कितना आता है 24, यानी आपका व्हाइट बॉल्स कितना होगा 9। अभी क्या किया गया है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली कोई भी बॉल को उठाया गया है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बिल इज व्हाइट इन कलर, तो व्हाइट बॉल ड्रॉ करने का चांस क्या होगा, एक बैग है जिसमें 24 बॉल्स था, जहाँ पे चार बॉल आपका ब्लू कलर का था, 11 बॉल आपका ग्रीन कलर का था और 9 बॉल आपका व्हाइट बॉल का था, व्हाइट कलर का था। तो अभी बोला है अगर रैंडमली कोई बॉल को पिक किया जाता है तो आपको व्हाइट बॉल मिलने का चांस कितना है, सो सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, जितना ब्लू बॉल का संख्या है डिवाइड कर दो 24, ये हो जाएगा ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, देन ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जितना ग्रीन बॉल है उसको टोटल बॉल से डिवाइड कर दो, दैट इज 11/24, बट हम लोगों को ये दोनों नहीं निकालना है, ग्रीन और ब्लू नहीं निकालना है, निकालना क्या था सर, व्हाइट निकालना था, तो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी दैट इज 9/24 हो जाएगा। अभी इसको स्ट्राइक कर दो, 3 3 9, 3 8 24, तो आंसर कौन सा आ रहा है सर, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 4.3 से आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में कहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ।
तो हम लोगों को क्या कहा गया है, दो डायमेंशन दे के रखा है कि हम लोगों को उस डायमेंशन से आप लोगों का एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनता है कि नहीं। डायमेंशन में कहा है कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का लेंथ होगा, और लेंथ क्या होगा, ब्रेथ से दोगुना ज़्यादा होगा, यानी दोगुना होगा। तो ब्रेथ तो हम लोगों को पता नहीं, लेंथ क्या होगा, इससे दोगुन होगा, और टोटल एरिया दे के रखा है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एकदम इजीली सॉल्व करेंगे 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग करेंगे क्या, लेट ब्रेथ बी एक्स। तो हम लोगों ने ब्रेथ को एक्स पकड़ लिया, तो लेंथ क्या होगा, देयरफॉर लेंथ होगा इसका दो गुन, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x। अभी क्वेश्चन में एरिया देके रखा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू कितना देखे रखा है सर, 800 meter square, राइट। तो अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का सर, दैट इज एल इंटू बी होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव के जगह में हम लोगों ने क्या लिख दिया, एल इंटू बी इक्वल टू कितना था, 800 meter square लिख लिया। चलो अभी लेंथ का वैल्यू क्या था सर, 12x था, तो 12x इंटू क्या बैठ जाएगा सर, एक्स बैठ जाएगा, तो बैठो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 800 meter square, ठीक है। अभी 2 × 12x के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 2x square आ जाएगा, और इधर में कितना आ जाएगा, 800 meter square, ठीक है। अभी हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो x को रखो लेफ्ट हैंड साइड में, 800 था इधर में लिखो उधर में, ये 2 मल्टीप्लाई था, साइड चेंज करेंगे तो सर डिवाइड हो जाएगा, तो 400 जगह आ जाएगा 800 आ जाएगा, तो एक्स का एक्स स्क्वायर कितना आ गया सर, 400 meter square आ गया। अभी देखो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को हटा दो सर, स्क्वायर हटाते ही क्या आ जाएगा, ये 400 meter square के ऊपर क्या आ जाएगा सर, एक रूट आ जाएगा। अभी 400 meter square का क्या करना है सर, 400 meter square का आपको क्या करना है सर, स्क्वायर रूट करना है। तो इसको अगर स्क्वायर रूट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 meter। अभी कैसा आया वो समझाना है, वो अगर लिखने जाएंगे तो लंबा बन जाएगा, फिर भी समझा देता हूँ। फैक्टराइज करो 400 को, अगर फैक्टराइज करोगे तो आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। जुड़ा ले लो, 2 × 2 = 2 है, तो 2 के लिए 1, 2, फिर यहाँ पे 2 है, 2 के लिए 1, 2, और 2, 5 के लिए 1, क्या लेना है, 1, 5, यानी यहाँ पे 2 दोनों के लिए, मतलब 2 कितना है, 2 था, इसमें से 1, 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, देन यहाँ पे 2, 2 था, उसके लिए 1, 2 आएगा, ठीक है। एंड 5 × 5 करने से क्या आ जाएगा सर, 5, 2, 5 के लिए 1, 5, तो कितना होता है, 2 × 2 × 5 करने से 20 आ जाएगा। और मीटर स्क्वायर था वो मैंने लिखे लिख के दिखाया नहीं, जस्ट समझाने के लिए शॉर्टकट में कर रहा हो, ताकि आप लोग भी आराम से करो, तो लिखने का ज़रूरत नहीं। और अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए बाद में फिर से करके दिखाऊंगा। तो इस दर क्लियर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 20 meter आ गया। कैसे 20 meter आया सर, ये जो रूट 400 है ना, इसको हम लोग दिखाई देता हो, रूट के अंदर ऐसे लिख सकते थे, दैट इज 20 meter square था ना, इस मीटर स्क्वायर को जब हम लोग तोड़ते हैं, 20 आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, राइट। तो 20 meter × meter कर सकते थे, दैट इज 400 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया, meter × meter में लिख सकते थे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं सर, 20 meter square कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा क्या, 20 meter आएगा। तो वही दो लाइन मैंने नहीं लिख के, डायरेक्ट ये लाइन लिख के आपको दिखाया है। तो अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा ऑफ द रेक्टेंगुलर
मैंगो ग्रुप इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 20 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रुप इक्वल टू क्या पकड़ा था, 2x पकड़ा था, यानी 2 × 20 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 40 मीटर। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है।